तो ये आपको भी मालूम होगा, सबको मालूम है ना कि माहौल बिगड़ गया। इसका कारण क्या है? बहुत सारे लोग कहेंगे कि इसका कारण नरेंद्र मोदी है, इसका कारण आरएसएस है, इसका कारण बीजेपी है। मगर मैं थोड़ा सा बदल के कहना चाहता हूं, इसका कारण, सबसे बड़ा कारण, कि हिंदुस्तान की जनता को और खासतौर से जो हमारा युवा है उसे रास्ता नहीं दिख रहा है, डरा हुआ है। क्यों डरा है? बेरोजगारी से डरा है। युवा को यह नहीं समझ आ रही, इतने सालों उन्होंने पढ़ाई की, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाके पढ़े, एग्जाम लेते हैं, मगर पिछले 5 साल से उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। और किसी भी देश में अगर यूथ को, नई जनरेशन को रास्ता नहीं दिखता, तो फिर यूथ के दिल में गुस्सा पैदा होता है। वो जो गुस्सा पैदा हो रहा है उसका फायदा नरेंद्र मोदी उठाते हैं, मगर गुस्से का सच्चा कारण बेरोजगारी है। अब सवाल उठता है कि इतना बड़ा देश है, करोड़ों लोग रहते हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है कि अगर कोई चाइना को चैलेंज कर सकता है तो वो हिंदुस्तान के युवा हैं। कहा उन्होंने, आपने सुना, कहा था। अच्छा भैया, जैसे हमारा यहां पे पार्लियामेंट में भाषण होता है, वहां पे उन्होंने कहा कि देखिए, अमेरिका का मुकाबला एक तरफ चाइना कर सकता है, दूसरे तरफ हिंदुस्तान। आप जानते हो, और ये आपको सुनकर शायद अच्छा ना लगे, मगर आप जानते हो कि चाइना में सबसे बड़ी फैक्ट्री में कितने युवा काम करते हैं? कोई सोच सकता है, बता सकता है कि चाइना में सबसे बड़ी फैक्ट्री में कितने लोग काम करते हैं? कोई बता सकता है? अच्छा, कोई बता सकता है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फैक्ट्री में कितने लोग काम करते हैं? मैं आपको बताता हूं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फैक्ट्री अगर आप देखो, उसमें 10-12 हजार लोग काम करते हैं, 20 हजार लोग काम करते हैं। चाइना की सबसे बड़ी फैक्ट्री में 12 लाख युवा काम करते हैं। एक फैक्ट्री में 12 लाख युवा काम करते हैं। अब मैं ये नहीं मानता हूं कि चाइना के युवा हिंदुस्तान के युवा से ज्यादा होशियार है। मैं ये भी नहीं मानता हूं कि चाइना के युवा हिंदुस्तान के युवा से ज्यादा काबिल है। मैं अपने युवाओं से मिलता हूं, हर रोज मिलता हूं, और मैं जानता हूं कि हिंदुस्तान का युवा किसी का भी मुकाबला कर सकता है, किसी का भी मुकाबला कर सकता है। तो ये हो क्या रहा है कि यहां पे इस कॉलोनी में, पूरी दिल्ली में युवा भटक भटक के रोजगार ढूंढ रहा है, उसके दिल में नफरत, गुस्सा पैदा हो रहा है। उस गुस्से का फायदा नरेंद्र मोदी, केजरीवाल जी उठा रहे हैं, मगर जो आपके सामने सबसे बड़ी मुश्किल है, बेरोजगारी, उसके बारे में ना केजरीवाल जी बोलते हैं ना नरेंद्र मोदी।